तो कमल आंटी, आप स्टार्ट लें। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, बताएं कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज होते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। सिंस एंड फॉर, हमारे पास जो सिंस होता है उसको हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसा कि हमारा टाइम कब से स्टार्ट हो रहा है, बिगनिंग ऑफ टाइम के लिए। लाइक इसकी एग्जांपल्स हैं कि सिंस 7 जो है एएम, सिंस मॉर्निंग संडे, और सिंस जनवरी, सिंस 1990 एक्सेट्रा। तो जो हमारे पास फॉर होता है उसको हम किसी भी ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। लाइक हमारे पास कि कोई काम जो है वो 2 वीक से हो रहा है, या 2 दिन से हो रहा है, 2 वीक से हो रहा है, या मंथ से, या 5 ईयर से, या जितना हमारे पास लॉन्ग टाइम हो। इसके नीचे जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि दे हैव बीन राइटिंग ऐसे सिंस मॉर्निंग। जब यहाँ पे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में हम सिंस यूज करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर इसके कुछ रूल्स पढ़े हैं, तो इसी के बेस पे ये 2 एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव भी पढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो होता है, हमारे पास जो सवालिया सेंटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं। इसमें कहते हैं कि हैव दे बीन राइटिंग, इसी जो हमारे पास ऊपर वाली एग्जाम्पल है, इसी का हमने सवालिया बनाया है। तो इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको स्टार्ट में ले आते हैं, बाकी जो हमारा सेंटेंस होता है एज सच ही होता है, लेकिन इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होता है जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो नेगेटिव जो है नेक्स्ट है, इसी का हम नेगेटिव भी बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस जो है ना कंप्लीट हो जाता है, और ये फुल स्टॉप पे ही कंप्लीट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस है और यूज ऑफ लेट है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि जिसमें कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, और एडवाइस भी हो सकती है। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस हो, तो उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि शट द डोर, ओपन द डोर, प्लीज लेट मी गो, और पुट ऑन नीट एंड क्लीन क्लॉथिस। इसी तरह की सर ने काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो ये आप वन बाय वन देख लीजिएगा कि इसी इसमें कुछ में परमिशन होगी, कुछ में जो है ना वो एडवाइस होगी, और कुछ में ऑर्डर्स होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास के यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। ये इसमें जाता है कि हम ये जो हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये तब हम यूज करते हैं कि कोई काम जब हमने कंपलसेशन से करना हो। यूज व्हेन समवन इज डूइंग एनी वर्क इन कंपलसेशन, कोई अगर किसी की मजबूरी में कोई काम करना पड़ जाए तो उसमें हम ये तीनों यूज करते हैं। लेकिन ये तीनों की कुछ कैटेगरीज होती हैं कि कब हम हैज टू यूज करेंगे, हैव टू और हैड टू। अगर तो जो हमारी कंपलसेशन है वो प्रेजेंट टेंस में होगी तो तब हम हैज या हैव टू यूज करेंगे, और अगर ये पास्ट में होती है तो फिर हम हैड टू यूज करेंगे। अगर तो हमारी कंपलसेशन आ जाती है फ्यूचर में, देन जो है हम शैल हैव टू या विल हैव टू यूज करेंगे। पर कमल, हमें ये पता वर्ड कंपलसेशन, कंपलसेशन है या कंपल्शन है? है, ओके सर, कंपलसेशन। तो अगर वो कह रहा है कि नेक्स्ट जो हमें पता है कि हम आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, और जो बाकी हम के साथ विल यूज करते हैं, तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल सर ने लिखी हुई है कि जैसे आई हैव टू टेक बाथ डेली, और अच्छा, ये जो एग्जांपल ये चीज भी है कि हमने हैव टू है। के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज करनी है। ठीक, जी सर, तो इसमें नेक्स्ट है यूज ऑफ अनलेस, अनटिल, एज, लॉन्ग एज, कि हमारे ये पास एग्जांपल थोड़ी अनलेस। एक्सप्लेन कर दें। ये देखें, आई हैव टू टेक बाथ डेली, ये मजबूरी बता रहा है कि मुझे हर रोज नहाना पड़ता है। ठीक है, यानी इसके बगैर मेरा कोई चारा ही नहीं है। तो आई हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो उठना नहीं चाहता लेकिन उसको डेली जो है वो जल्दी उठना पड़ता है। और हाँ इसी जी, तरह नेक्स्ट भी है, तो वो सर ढेर सारी हैं, वो स्टूडेंट्स देख लेंगे। यूज ऑफ अनलेस, अनटिल एंड एज लॉन्ग एज, कहता है कि अनलेस इज यूज इन दोज नेगेटिव सेंटेंस इन विच कंडीशन इज अप्लाइड। उन नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है अनलेस जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई की हो। कहता है कि अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, ही विल नॉट पास, कि अगर जो उसने मेहनत तो की थी लेकिन वो फिर भी एग्जाम पास नहीं कर सका। इसमें कंडीशन आ जाती है ना कि नहीं, ये अगर जो उसने, ट्रांसलेशन में आपने थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया। ये लिख रहा है कि अनलेस ही वर्क हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा ही विल नॉट पास, वो पास नहीं ओके होगा। सर, ठीक है, तो यहाँ पे सही, कंडीशन है कि जब तक मेहनत, मेहनत की कंडीशन यहाँ पे लगाई गई, शर्त लगाई गई है कि मेहनत करेगा तो पास होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, जब आपने कोई नेगेटिव सेंटेंस बताना होता है लेकिन शर्त के साथ बताना, तो उस वक्त आपने अनलेस यूज करना होता है। सही हो गया। तो नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है कि ही विल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू एडमिट योर फॉल्ट, कि वो आपको तब तक माफ नहीं करेगा जब तक आप जो है अपनी गलती को नहीं मान लेते। तो नेक्स्ट इसकी आई शैल नॉट लेट गो अनलेस यू फिनिश योर वर्क, के आपको नहीं जाने दूंगा जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते। तो नेक्स्ट है कि अनटिल, अनटिल हम कब यूज करते हैं, कि अनटिल इज यूज इन दोज नेगेटिव सेंटेंस इन विच टाइम इज अप्लाइड, जिसमें टाइम आ जाए तो उसमें हम अनटिल यूज करते हैं, कि जैसे कि यू विल रिमेन हेयर अनटिल ही कम्स, कि आप तब तक यहाँ रहेंगे जब तक वो आ नहीं जाता। तो इसमें टाइम है कि जब तक वो नहीं आ जाता, तो इसमें टाइम की कंडीशन अप्लाई हुई है, तो इसमें अनटिल यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आफ्टर अनलेस, अनटिल और अनटिल डोंट यूज नॉट, कहता है कि अगर हमारे पास सेंटेंस किसी पार्ट में अनलेस या अनटिल आ जाता है तो इसके बाद हम नॉट यूज नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज रिप्रेजेंट टाइम्स एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज इट यूज इन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वो कहता है कि एज लॉन्ग एज जो है वो पॉजिटिव टेंस के यूज किया जाता है, इसको नेगेटिव के लिए नहीं यूज करेंगे। जैसा कि एज गॉड इज विद मी नो वन कैन हार्म मी, कि जब तक खुदा मेरे साथ है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें जैसे सेकंड वाली एग्जांपल है कि इसमें एज लॉन्ग एज इट रेन्स वी शैल रिमेन इनडोर, कि जब तक बारिश हो रही है तब तक जो है हम घर पे ही रहेंगे। तो इसमें ये है कि जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये सारा पॉजिटिव पार्ट है, तो उसी के साथ एज लॉन्ग एज लगाया हुआ है। यूज ऑफ एज इफ वुड दैट सो दैट, कहते हैं कि एज इफ वुड दैट आर यूज फॉर विश एंड डाउट, हम विश और डाउट के लिए जो है एज इफ और वुड दैट यूज करते हैं। तो यहाँ कहते पे हैं कि एक बात, यहाँ पे इस सेंटेंस में एज लॉन्ग एज
गॉड आएगा, एज लॉन्ग एज गॉड इज विद मी नो वन कैन हार्म मी। तो ये जो एज लॉन्ग एज होता है ये वाला सेंटेंस का पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, और ये वक्त बता रहा होता है, वक्त के लिए यूज होता है कि आप वक्त की बात कर रहे हैं कि जब तक खुदा मेरे साथ है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह बारिश की बात हो रही है कि जब तक बारिश होगी हम तब तक अंदर ही रहेंगे। नेक्स्ट, यूज ऑफ एज इफ वुड दैट और सो दैट। अब कहता है कि अगर एज इफ या वुड दैट किधर गया, एज इफ वुड दैट आर यूज फॉर विश एंड डाउट। इसको किसी विश के लिए या डाउट के लिए यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिसमें एज इफ यूज हो तो वहाँ वर्ड या हेड लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगती है वर्ड की हर आफ्टर एज इफ। एज इफ के बाद जो है हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और इसमें एडजेक्टिव यूज करते हैं, वर्ड के बाद जो है कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे इसमें नोट लिखा हुआ है कि डोंट यूज वाज आफ्टर एज इफ, ही वाज क्राइंग एज एज इफ इफ ही के बाद वर। कभी भी आपने वाज यूज नहीं करना होता, ठीक है, वर ही यूज होता है या फिर हैड यूज होता है, दो चीजें आपके पास हैं, या वर यूज करना है या फिर आपने हैड यूज करना है, और थर्ड फॉर्म आप वर यूज होगी, और इसके अलावा वर के बाद जो है वो आप क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो ये इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है कि नोट में है कि आप एज इफ के बाद जो है ना वो वाज यूज नहीं कर सकते। अब इसके कुछ नीचे मुझे एग्जांपल है, कंडीशन, ही वाज क्राइंग एज इफ ही वर मेड मैड, तो वो ऐसे ही चिल्ला रहा था जैसे कि वो पागल हो गया, ठीक है, वो या कि वो पागल है। तो यहाँ पे भी देखें तो वैसे हम अमूमन देखते हैं कि हम ही के साथ वाज लगाते हैं, ठीक है, नॉर्मली हमने जो कुछ पढ़ा उसमें यही है कि ही के साथ हम ही शीट के साथ वाज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एज इफ चूंकि आया हुआ है तो एज इफ के बाद आपने ही के बाद वर या हैड लगाना होता है, उसके बाद आगे एडजेक्टिव आता है, ये जो मैड है ये उसकी बता रहा है एडजेक्टिव कि वो पागल हो गया। नेक्स्ट आगे ये अगर वो कहता है कि प्रेजेंट टेंस आ जाता है सो दैट के बाद, सो दैट और जो माइट है हम उसका देखेंगे कहाँ पे यूज होते हैं। अगर कहता है कि पास्ट टेंस आ जाता है बिफोर सो दैट, तो सो हम दैट यूज से करेंगे पहले, माइट जी। सो दैट से पहले अगर वो कहता है कि पास्ट टेंस आता है तो फिर हम वहाँ पे माइट यूज करेंगे विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। तो इसमें जो है जैसे सो दैट है तो उसके बाद जो है हमारे पास हमने माइट लगाया है, तो यहाँ पे वर्क जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे पास्ट टेंस जो टेंस है वो यूज हुआ हुआ है। ये पास्ट टेंस है यहाँ पे, तो पास्ट टेंस के लिए भी हमने देखा कि आप क्या यूज करते हैं, सो दैट के बाद आप माइट यूज करते हैं, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो सो दैट के बाद आप माइट यूज करेंगे, और ऊपर देखें तो चूंकि वर्क हार्ड है प्रेजेंट टेंस है, लिहाजा सो दैट के बाद आप मे यूज करेंगे। यूज ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस, कहता है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में, फिर कहता है कि आप कोई भी टेंस सेकंड पार्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई से दैट आई नो हिम, अगर फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट या फ्यूचर है तो सेकंड पार्ट में आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो अगर पास्ट टेंस होगा, अगर वो कहता है कि नेक्स्ट जो है इसका है कि अगर पास्ट टेंस है तो फर्स्ट पार्ट जो होगा टेंस का वो पास्ट होगा, लेकिन सेकेंड जो है ऐसा नहीं है, वो कह रहा है अगर आपके सेंटेंस का पहला हिस्सा, आपके सेंटेंस का पहला हिस्सा अगर पास्ट टेंस में है तो दूसरा हिस्सा जो है वो लाजमन पास्ट टेंस में ही होगा। सही हो गया, यहाँ पे देखें द डॉक्टर सेड, तो ये सेड बता रहा है कि जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है वो पास्ट में है, वो तो पास्ट अब में है आपका जो सेकंड है ये वाला भी ये पास्ट में ही होगा, तो ये देख लें यहाँ पे वाज आया हुआ है कि जी डॉक्टर सर। कि सेड अगर फर्स्ट दैट, वाला हिस्सा जो पास्ट में होगा तो सेकंड वाला भी कंपलसरी है कि पास्ट में ही होगा। और यहाँ पहला जो था इसमें है कि अगर आपका पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सेकंड हिस्सा जो है उसमें कोई टेंस भी आ सकता है, उसमें प्रेजेंट भी आ सकता है, उसमें फ्यूचर भी आ सकता है, और उसमें पास्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट, सही है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके सेंटेंस का पहला हिस्सा अगर पास्ट में है लेकिन सेकंड हिस्से में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है तो फिर आप पिछले वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है वैसे रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो फ्यूचर में है, चाहे जैसा भी है, ठीक है। हालांकि हमने रूल ये पढ़ा कि अगर पहला हिस्सा पास्ट में हो तो सेकंड भी पास्ट में होगा, लेकिन अगर सेकंड हिस्से में यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो फिर वो रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर यूनिवर्सल ट्रुथ एज इट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें दे टोल्ड, तो फर्स्ट पार्ट में आपका पास्ट टेंस आ गया है लेकिन आगे है यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थ इज अराउंड, तो ये ना हो कि आप यहाँ पे कहें कि हमने तो रूल पढ़ा था कि जी फर्स्ट पार्ट में अगर पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट लगाना होता है, तो ये ना हो कि आप यहाँ पे इसके बजाय कहें कि अर्थ वाज राउंड है, तो ये अर्थ इज राउंड होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास देन और एज मच एज, अगर हमारे पास देन एज मच एज जो है वो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आ जाए तो हम कोई भी फॉर्म फॉर्म जो वर्ब की है यूज कर सकते हैं आफ्टर देन के और एज मच एज के। लेकिन जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में पढ़ा कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो, बट इन केस ऑफ यूनिवर्सल प्रेजेंट टेंस विल बी यूज, तो हम जस्ट जो है ना अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। यूज ऑफ हार्डली एज सून एज, वो कहता है कि फॉर यूज ऑफ हार्डली ही हैड आफ्टर सब्जेक्ट यूज करेंगे, हम हैड सब्जेक्ट के बाद हैड यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज करेंगे। और यहाँ पे यूज है वैन का, कहता है कि यूज नहीं वैन नहीं इन वो स्टॉक। कह रहा है कि अगर जब हार्डली का आपने यूज करना होता है तो एक तो आपने हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगानी होती है, दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो वेन से स्टार्ट होगा, वेन से स्टार्ट होगा। सही है सर। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में कि आई हैड हार्डली स्टेप आउट ऑफ माय होम, इसमें स्टेप जो है थर्ड फॉर्म यूज हुई है हार्डली सब्जेक्ट के बाद, तो जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है इसी का सेंटेंस का नेक्स्ट जो पार्ट है वो वेन से स्टार्ट हुआ हुआ है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी ऐसा ही है कि थर्ड फॉर्म यूज हुई है और जो नेक्स्ट वाला इसका सेंटेंस है सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो वेन से स्टार्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, दी पैसेंजर हैड हार्डली, यहाँ पे आर ली लिखा हुआ है, तो ये हार्डली है,
हार्डली सेट ऑन, मैं मुश्किल से अभी रवाना हुए होंगे व्हेन इट बिगेन टू रेन, और उसी वक्त साथ ही बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट है कि फॉर यूज ऑफ एज सून एज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम एज सून एज यूज करेंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि एज सून एज आई कैम आउट ऑफ हाउस, जो कैम है कम कैम, तो फिर कैम जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो नेक्स्ट जो है इसका सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। ये कैम तो वो आजकल ड्रामा चल रहा है उसमें नहीं है कैम, वो हरामे जनून, पता तो इसे तो केम नहीं कहते सर, हैं। मैं ड्रामा नहीं देखती। केम, एज सून एज आई केम आउट ऑफ द हाउस द पुलिस केम। हाँ सही है, तो जी, एज सून एज में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है। सही हो गया। इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है कि एज, इसमें हमारे पास कोई ड्यूरेशन शायद आ सकता है, या सही आप बताइएगा यूज ऑफ एज एंड एज एज वाला। एज यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें दो दफा एज आ रहा है, या ऐसा सेंटेंस जिसमें एक दफा सो और उसके बाद अगले से में एज आ रहा है। तो एज एज कब यूज होगा? यूज एज एज यूज ऑफ यूज होगा जब आप दो आइटम्स को कंपेयर करेंगे, दो चीजों को कंपेयर करेंगे पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। ठीक है, एज और आगे फिर आगे कुछ वर्ड्स के बाद दोबारा एज आएगा। तो पॉजिटिव वे में भी कंपेरिजन हो सकता है, नेगेटिव वे में भी कंपेरिजन हो सकता है, लेकिन जो सो एज है ये हमेशा नेगेटिव कंपेरिजन में यूज होता है। सो एज ये हमेशा नेगेटिव कंपेरिजन में यूज, जैसे कि नीचे देखें, द लास्ट स्ट्रक्चर इज एज बिग एज, ये दो दफा एज आ गया एज एज। ये यहाँ पे जो डैश डैश एज का मतलब यही है कि एज के दरमियान में कोई वर्ड भी हो सकते हैं, तो इसलिए डैश लगा हुआ है। तो पॉजिटिव वे में भी कंपेरिजन हो सकता है, नेगेटिव वे में भी कंपेरिजन हो सकता है, लेकिन जो सो एज है ये हमेशा नेगेटिव कंपेरिजन में यूज होता है। सो एज ये हमेशा नेगेटिव कंपेरिजन में यूज, जैसे कि नीचे देखें, द लास्ट स्ट्रक्चर इज एज बिग एज, ये दो दफा एज आ गया एज एज। ये यहाँ पे जो डैश डैश एज का मतलब यही है कि एज के दरमियान में कोई वर्ड भी हो सकते हैं, तो इसलिए डैश लगा हुआ है। दी लास्ट लास्ट स्ट्रक्चर इज एज बिग एज द प्रीवियस स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो आखिरी स्ट्रक्चर था वो इतना ज्यादा बड़ा था पिछले स्ट्रक्चर से, एज बिग एज यानी इतना बड़ा था जितना कि पिछला स्ट्रक्चर बड़ा था, कंपेरिजन तो हो रहा है। सर एस और एस है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। ये दोनों के लिए ऊपर लिखा होगा यहाँ पे, ये दोनों में। अब नीचे नेगेटिव के एग्जांपल है, द लास्ट स्ट्रक्चर इज नॉट एज बिग एज द प्रीवियस स्ट्रक्चर, यानी ये जो आखिरी स्ट्रक्चर था ये इतना इतना बड़ा नहीं था जितना कि पिछला स्ट्रक्चर था। ठीक है, सही हो गया। और आगे नेक्स्ट है सो एज यूज का। ऑफ लीजेंड, सो एज द लास्ट स्ट्रक्चर इज नॉट सो बिग एज द प्रीवियस स्ट्रक्चर। तो अब सो एज जो है ये आप देख सकते हैं ये नेगेटिव में ही है कि आखिरी स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं था जितना कि पहले वाले थे। तो सो एज ये हमेशा उसका यूज होता है जब नेगेटिव टी होती है, ये सो एज। यूज ऑफ नाइदर यूज ऑफ नॉर, नाइदर और नॉर। नाइदर नॉर आर यूज टुगेदर टू स्टेट और टू मोर थिंग्स। इसमें हमारे पास दो स्टेट या एक से ज्यादा दो चीजें जो आ जाती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसा कि नाइदर द ब्लू वन नॉर द रेड इज अवेलेबल इन साइज फोर। के साइज फोर में ना तो ब्लू ही अवेलेबल था और ना ही रेड। इसमें हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं नाइदर और नॉर। और ये अनट्रू उस वक्त आप यूज करते हैं जब आपके पास वो चीज जिसकी बात हो रही है वो अनट्रू है, या आपके पास वो मौजूद नहीं है, वो होने वाली नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप जो ब्लू और रेड कलर की बात करें तो ये आपके पास मौजूद नहीं है, यानी ये भी ओके नेगेटिविटी सर, के लिए है। यूज ऑफ आइदर और, कहते हैं कि वी यूज आइदर और। चलिए क्या लिखा हुआ है, अफर्म ईच अदर, टू अफर्म ईच ऑफ टू पॉसिबिलिटीज। जैसे एक दो पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल द सेंटेंस आई वांट टू ईट आइदर एन एप्पल और एन ऑरेंज। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो ये खाना चाहता है या उसके पास ऑप्शन पड़ा है कि दूसरी चीज भी खा ले, पॉसिबिलिटी है। तो ये नेक्स्ट जो है कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, कॉमन एरर उसमें है। कहता है कि इफ द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन सेंटेंस एज सब्जेक्ट देन ट्रीट देम लाइक सिंगुलर। वो कहता है कि अगर एज अ सब्जेक्ट ये वर्ड आ जाए तो हम इनको सिंगुलर ही यूज करेंगे, इनका जो मीनिंग कंसिडर होगा ट्रीट करेंगे इसको वो सिंगुलर करेंगे। इसमें ईच, एवरी, आइदर, एनी, नाइदर, नन, मैनी। इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ईच वन ऑफ टू सिस्टर्स वॉज हैप्पी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ईच है इसको हम एज अ सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट इसका है असल कि बात जो अगर बताने वाली वो ये है कि यहाँ चूंकि ईच आ गया है, ईच को हमने सिंगुलर यूज करना है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि चूंकि सिस्टर्स आ गया है, हम देखते हैं कि ये तो प्लूरल वाला है, तो आगे हमेशा बंदे के माइंड में ये जाता है कि यहाँ पे वर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि सेंटेंस जो है ये ईच वाला आ गया है, ईच वन ऑफ टू सिस्टर, लिहाजा अब आपने इस ईच को माइंड में रखना है कि ये सिंगुलर है, लिहाजा यहाँ पे वाज आएगा वर नहीं आएगा। ये ना कि आप इन सिस्टर्स से देख के कहें कि आप यहाँ पे आगे वर हैप्पी आएगा, तो वर नहीं आएगा वाज आएगा, क्योंकि ईच बतौर सिंगुलर है यहाँ पे वाज आएगा। और इसी तरह के हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया जाए एंड के साथ, तो उनको हम प्लूरल जो है वो कंसीडर करेंगे, जैसे असलम एंड हामिद आर इल। तो यहाँ पे आर जो है ये प्लूरल के लिए बताया जा रहा है। तो अगर वो कहता है कि दो सिंगुलर थिंग्स आर इंडिकेटिंग अ सिंगल सिंगल थिंग्स, देन वी ट्रीट देम सिंगल। वो कहता है कि अगर दो सिंगुलर थिंग्स जो है वो सिंगल थिंग्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिकेट कर रही है, तो फिर उसको हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। जैसे स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, स्लो एंड स्टेडी दो चीजें हैं, तो विन द रेस, तो ये इन दोनों को हमने क्या किया है, एज अ सिंगुलर ही कंसिडर किया असल है। में डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि इसमें भी एंड है, इसमें भी एंड है, लेकिन यहाँ पे हमने इन दोनों को बतौर प्लूरल ट्रीट किया है और आर लगाया है। यहाँ पे भी एंड है लेकिन हमने यहाँ पे इनको सिंगुलर ट्रीट करते हुए यहाँ पे विंस लगाया है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे असलम और हामिद, ठीक है, दोनों की अलग अलग बात हो रही है कि दोनों जो है वो बीमार हैं, तो यहाँ पे आपने इनको बतौर प्लूरल ट्रीट किया है। सिमिलरली नीचे देखें, ए वाइट एंड रेड कार इज फॉर सेल। अब ये दोनों सेंटेंस सेम है,
ये किस लिहाज से सेम है, क्योंकि देखने में ये प्लूरल है, यानी ये व्हाइट और रेड दो चीजें हो गई, तो दो चीजें हो तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन आगे जो वर्ब यूज हुआ है उससे ऐसे लग रहा है जैसे ये तो सिंगल चीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्यों सिंगल है, क्योंकि पर्पज आगे देखें तो इसका भी पर्पज जो है वो सेल का है, इसका भी दोनों चीजों का जो ताल्लुक है वो रेस के साथ है, यानी दोनों चीजों का जो ताल्लुक है वो एक सिंगल चीज के साथ है, इन दोनों का भी ताल्लुक एक सिंगल चीज के साथ है। लिहाजा यहाँ पे आप जब आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजें हो लेकिन उनका रिलेशनशिप जो है वो कॉमन हो, तो फिर आप वहाँ पे जो है वो उनको सिंगल ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और आप जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी इस आपने यूज किया और यहाँ पे विंस यूज किया। सर ये नेक्स्ट वाला पॉइंट भी आप बता दें। नेक्स्ट ये है कि व्हेन ए प्लूरल सब्जेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ सम आर अमाउंट द वर्ब सिंगुलर, यानी आपके पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है, यानी जमा का सब्जेक्ट है, ज्यादा लोगों को बता रहा है, ज्यादा चीजों की बात हो रही है, लेकिन उसमें चीज जो है वो क्या है, द आइडिया ऑफ सम आर अमाउंट, यानी उसमें आइडिया जो है वो कुछ चीजों का या कुछ अमाउंट की बात हो रही है, तो आप उनको उस बतौर सिंगुलर यूज करेंगे, यानी है एक्चुअली वो प्लूरल लेकिन वो जो है उसमें आइडिया किस चीज का है, उसमें सम का या अमाउंट का आइडिया है। यहाँ पे सम जो है ये आई थिंक एस यू एम सम है, एस यू एम सम, हाँ आइडिया ऑफ सम, ये सम यकीनन सम एस यू एम सम है, यानी कोई ऐसी चीज है जिसको आपने बताओ सम के तौर पे लिया हुआ है या कोई अमाउंट है, तो आप उनको बताओ सिंगुलर यूज कर, जैसे कि 30 रुपीज, तो देखने में ये जो रुपीज है ये प्लूरल चीज है, ठीक है, तो लेकिन चूंकि अमाउंट है 30 रुपीज, तो आप यहाँ पे आगे इसको ट्रीट करेंगे बतौर सिंगुलर इज यूज करेंगे, 30 रुपीज इज टू मच फॉर द बुक। इसी तरह आगे वेट का है 100 पाउंड, 100 पाउंड वाज पेड यस्टरडे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने इसको सिंगल ही ट्रीट करना है और वाज यूज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हेन टू आर मोर नाउन्स जॉइंड बाई एंड आर प्रीसीडेड बाई ईच आर एवरी द वर्ब इज सिंगुलर, यानी वो कह रहा है कि जब आपके पास दो या दो से ज्यादा नाउन है उनको आपस में आपने एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ है और उनके बाद एंड प्रिसीडेड बाई ईच, इसके बाद ईच आर है या फिर एवरी आर है, यानी दो या दो से ज्यादा नाउन है उनको आपस में आपने एंड से ज्वाइन किया हुआ है और उनके बाद या तो ईच आर है या फिर एवरी आर है, तो फिर आप वर्ब को कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वर्ब आप यूज करेंगे उनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, जैसे कि एवरी ऑफिसर और आगे एंड आ गया एंड एवरी सेलर, तो अब दो चीजें होंगी देखने में, दो चीजें हैं एवरी ऑफिसर एंड एवरी सेलर, तो देखने में दो चीजें हैं, तो यहाँ पे वर नहीं लगाना बल्कि क्योंकि ये एवरी या ईच इसमें आ गया है तो हमने पढ़ लिया ऊपर कि जब भी दो या दो से ज्यादा नाउन आपस में एंड से जुड़े हुए हैं, जैसा कि ये एंड से जुड़े हुए हैं और ईच या एवरी इन्वॉल्व हो उसमें बाद में आ रहा हो, एंड के बाद ईच आ रहा हो या एवरी आ रहा हो, तो फिर आपने इस वर्ब को बतौर सिंगुलर ट्रीट करते हुए यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे हम वाज बनाएंगे ईच डे एंड ईच आर, तो इसमें भी देखें एंड जो है इसके बाद ईच आर है तो आप यहाँ पे हैज लगाएंगे, हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंट, ये नो कि आप कहें कि दो चीजें चूंकि ईच डे है और ईच आर भी है तो लिहाजा हम हैव लगाते हैं, तो हैव नहीं लगाना बल्कि आपने सिंगुलर ट्रीट करते हुए हैज लगाना है। सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाई नाइदर नार एंड आइदर आर टेक द वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म, यानी अगर आपके पास कोई सिंगुलर नाउन है और वो नाइदर या नार से जुड़े हुए हैं या आइदर आर से जुड़े हुए हैं तो उनको भी आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, जैसे नाइदर असलम नार इज ब्रदर वाज हैप्पी, तो ये भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लूरल है, यानी ना तो असलम ना ही उसका भाई, तो एक नजर बंदा कहता है कि यहाँ पे वर आएगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है कि ना तो असलम और ना ही भाई उसका खुश है, तो यहाँ पे वर नहीं लगाना बल्कि वाज लगाना है। तो एक पैटर्न अगर आप गौर से देखें तो एक पैटर्न यही बन रहा है कि आपने जब प्लूरल चीजें डिस्कस कर रहे हो तो वहाँ पे अभी तक हमने यही देखा कि उनको आपने सिंगुलर ट्रीट करते हुए वर्ब की फॉर्म लगानी होती है, आइदर अली आर हिज ब्रदर, तो यहाँ पे भी दो चीजें आ गई हैं, आइदर अली यानी या तो अली या फिर उसका भाई बुक चुराई होगी, तो यहाँ पे भी हैव नहीं लगाना ये समझ के कि दो लोगों की बात हो रही है तो हम हैव लगाते हैं, बल्कि आपने आइदर और आर को माइंड में रखते हुए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी हैज, आइदर यू आर आई एम एट फॉल्ट, यानी या तो मैं या फिर आप गलती पे हैं, तो इसको भी यहाँ पे आपने आई आर नहीं लगाना, ये ना कि आप कहें कि दो लोगों की बात हो रही है यू और आई तो लिहाजा आर लगाते हैं, तो आर नहीं लगाना बल्कि आई के साथ एम आता है, सिंगुलर ट्रीट करना है। सिमिलरली नेक्स्ट है व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, यानी जब आप दो नाउन्स को एज वेल एज के साथ ज्वाइन करते हैं एंड विद, यानी एज वेल एज के साथ ज्वाइन कर रहे हैं या फिर विद के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट नाउन, तो आपने वर्ब जो पुट करना है वो फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से लगाना है, ये माइंड में रखना है, यानी जब दो या दो से ज्यादा नाउन है और वो जुड़े हुए आपस में एज वेल एज के साथ और या विद के साथ, तो आपने जो वर्ब लगाना है वो किसके हिसाब से दे लगाना है, फर्स्ट नाउन को देखना है आपने, बाकी नाउन को छोड़ें, दूसरा तीसरा चौथा नाउन कौन है उसको छोड़ें, पहले नाउन को माइंड में रखना है, जैसे एग्जांपल देखते हैं द हेडमास्टर एज वेल एज बॉयज इज हैप्पी, तो यहाँ पे दो नाउन है जुड़े हुए आपस में, एक हेडमास्टर और एक बॉयज जुड़े हुए किससे हैं एज वेल एज के साथ, तो अब जो वर्ब आएगा ये ना हो कि आप कहें कि यहाँ पे चूंकि बॉयज लगा हुआ है तो आप आगे आर लगाएं, बल्कि हमने ये देखा कि जब दो नाउन आपस में एज वेल एज के साथ जुड़ जाएं तो वर्ब किसके आता है, पहले नाउन की तरफ आता है वो, तो चूंकि हेडमास्टर अकेला है तो लिहाजा इज आएगा, द हेडमास्टर एज वेल एज बॉयज इज हैप्पी। सिमिलरली नेक्स्ट है द बॉयज विद प्रिंसिपल आर नॉट ड्यूटी, तो चूंकि यहाँ पे अब विद से ये जुड़ा हुआ है, पहले वाला एज वेल एज से जुड़ा हुआ था अब विद वाला जुड़ा हुआ है, तो वही रूल कि जो वर्ब है वो हमेशा पहले नाउन की तरफ आएगा, तो पहला चूंकि बॉयज है प्लूरल है तो लिहाजा आप यहाँ पे आर लगाएंगे, ये ना हो कि आप देखेंगे प्रिंसिपल अकेला है तो इज लगा दें। सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जो कि हमें याद रखने हैं, इनमें मिस्टेक हो सकती है।
तो बड़े सादे से आगे मैंने मिस्टेक भी मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे वक्त नहीं इतना कि सम स्टेशनरी की बजाय ये ना कि आप कहें कि चूंकि सम लिखा हुआ है तो ज्यादा की बात हो रही है तो ज्यादा स्टेशनरीज लगा दें, तो स्टेशनरीज नहीं लगाना बल्कि स्टेशनरी लगाना होता है। इस तरह समर वेकेशन नहीं है, वेकेशन लफ्ज है। हेयर चूंकि सिंगुलर ट्रीट होता है तो लिहाजा इज लगाना है, कार के लिए इज लगाना है। ही रिसीव्ड मच इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं लगाना, इन्फॉर्मेशन ही होता है। दिस न्यूज इज करेक्ट, तो न्यूज़ को ये ना कि आप प्लूरल समझ लें और आगे इज की जगह आर लगा दें। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो मैंशन कर दिया कि आप क्या लगा सकते हैं और क्या नहीं लगाना। नीचे लिखा है कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एस पे खत्म होते हैं, तो अमूमन हमारा ट्रेंड ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जो चीज़ एस पे खत्म हो हम समझते हैं कि वो प्लूरल है, जैसे कि सीजर्स, टोंग्स, बेलोस, मोस्टेच और स्पेक्टेटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कि एस पे खत्म हो रही है तो इनको आपने प्लूरल ट्रीट नहीं करना बल्कि इनको सिंगुलर ही लेना है। तो लिहाजा आपने लिखना है ए पेयर ऑफ सीजर्स या ए पेयर ऑफ टोंग्स, ए पेयर ऑफ बेलोस। ये ना कि आप पेयर्स पेयर्स नहीं लगाना ज़्यादा समझ के, पेयर जो है वो जोड़ा होता है, दो चीज़ों का जोड़ा होता है, तो लिहाजा इसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है। कुछ और सेंटेंस हैं, डजन ही बॉट 2 डजन ऑफ एग्स, तो यहाँ पे भी आपने डजन्स नहीं लगाना बल्कि डजन लगाना है। इसी तरह ही बॉट 2 पेयर ऑफ शूज, तो ये यहाँ पे भी पेयर नहीं लगाना बल्कि पेयर लगाना है। हंड्रेड ऑफ पीपल, तो आगे और भी इसकी काफ़ी, 10 रुपी नोट, ए 3 फुट रूलर, तो 3 को देखते हुए ये ना कि आप कहें कि क्योंकि पल्लू डाला तो आगे फीट लगा दें, फीट नहीं लगाना, 3 फुट ही रहेगा। 6 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे भी ईयर को आपने ईयर ही रहने देना है, ईयर नहीं करना। एडजेक्टिव के लिए ये है कि एडजेक्टिव में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, इट इज दे, यानी जब आपने ये कहना है कि ये वही है तो आपने लिखना इट इज दे, ये नहीं लिखना कि इट इज देम। आई एम टॉलर देन ही, यानी मैं उसे लंबा हूँ बड़ा हूँ, तो ये ना कि आप लिखें आई एम टॉलर देन हिम, हिम नहीं बल्कि ही आएगा। सिमिलरली ही इज टॉलर देन बोथ ऑफ अस, वही नहीं लगाना। ही सैड एज वी, ये ना कि आप कहें कि ही सैड एज अस, अस नहीं करना बल्कि वही लगाना है। लेट मी गो टू कॉलेज, तो यहाँ पे मी लगाना है, आई नहीं लगाना। लेट मी का तो सभी को पता है, हमेशा लेट मी यूज होता है। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, ये ना कि आप यहाँ पे आई लगा दें। तो मैंने बोल्ड किया हुआ है जो जो जहाँ पे मिस्टेक हो सकती है और वो साथ लिख दिया ब्रैकेट में, किसी जगह ये नहीं आ सकता। कुछ और भी कॉमन सेंटेंस है, मैंने रॉन्ग बैड थिंग इज अंडर डिस्कशन, यानी जब आप कोई बुराई की बात कर रहे हो तो हमेशा अपने आप को पहले रखें। ठीक है, जब भी कोई बुरी बात करते करो, कोई खराब चीज़ करते करो, तो अपने आप को पहले रखें और जो सामने मौजूद है उसको दूसरे पे रखें, और जो गायब में है, जो जिसकी आपने गइबत करनी है तीसरे बंदे की, उसको एंड पे रखें। ठीक है, जैसे ये सेकंड सेंटेंस, आई यू एंड ही स्टोल अ बुक, तो ये वो बुरी चीज़ है। तो पहले अपने आपको रखा कि मैंने, तुमने, जो सामने मौजूद है, एंड ही जो जिसकी कीमत कर रहे हैं कि उसने क्या किया था, बुक चुराई थी। तो जब अच्छा काम करना है तो फिर आपने जो सामने वाला उसको पहले रखना है, यानी यू, और जो मौजूद नहीं है उसको बाद में रखें और अपने आपको एंड पे रखें। तो यानी ये अखलाकियात की बात हो रही है एक लिहाज से, कि बुरा काम है तो अपने आपको पहले रखें, जो सामने उसको दूसरे पे रखें, और जो मौजूद ही नहीं है उसको तीसरे पे रखें, अगर बुराई करना जरूरी है तो। और अगर अच्छा काम है तो फिर जो सामने मौजूद उसको पहले रखें, जो मौजूद नहीं है ही वाला उसको सेकंड में रखें और अपने आपको एंड पे रखें। अगेन इन अ सेंटेंस वी प्रेफर फर्स्ट पर्सन एंड राइट सेंटेंस एज फॉलोज, कह रहा है कि पहले पर्सन को हमने, फर्स्ट पर्सन को हमने प्रेफर करना होता है। यू एंड ही शुड डू योर ड्यूटी, यानी जब आपके पास इस तरह का हो कि जब आप दो चीज़ों की बात कर रहे हो, यू एंड ही, यानी तुम और वो, शुड डू योर ड्यूटी, तो अब यहाँ पे आपने जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो किस हवाले से यूज़ करना है, पहले के हिसाब से यूज़ करना है ये। ठीक है, प्रेफर फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन को प्रेफर करें तो यू है, तो यहाँ पे आएगा योर। ये नो कि आप कहेंगे यू एंड ही शुड डू हिज ड्यूटी, तो ही की जगह ये ना कि हिज लगा दिया, बल्कि पहले पर्सन को आपने माइंड में रखना है, तो यू की जगह यहाँ पे योर आएगा। इफ आई इज नॉट इन सेंटेंस, इफ आई इज नॉट इन द सेंटेंस वी प्रेफर यू ऑन ही शी इट दे, वो कह रहे हैं अगर सेंटेंस के अंदर आई नहीं है, यानी अपने आप की बात नहीं कर रहे, तो फिर आप यू को प्रेफर करेंगे ही शी इट पे, जैसे कि यू एंड ही शुड डू योर ड्यूटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आई नहीं है तो लिहाजा आप यू को प्रेफर करेंगे ही शी इट पे, तो लिहाजा यहाँ पे यू को प्रेफर करते हुए यहाँ पे योर आ गया। कुछ सेंटेंस में मिस्टेक्स क्या होती हैं, ये ऑब्सेशन हो सकते हैं आप पूरा कंटिन्यू ना कर पाएं, तो बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ट्राई करता हूँ कि कवर हो जाए। डोंट यूज ट्वाइस शैल विल इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी एक सेंटेंस में दो दफा शैल या विल यूज ना करें। यूज प्रेजेंट टेंस इन फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में हमेशा प्रेजेंट टेंस होगा और अगले में फिर शैल या विल, जो भी आपने यूज करें। ये ना कि आप पहले में भी शैल और विल यूज कर लें और आगे में भी शैल विल यूज करें, क्योंकि अमूमन जो सेंटेंस बोला जाता है वो यही बोला जाता है कि मैं लाहौर जाऊंगा तुम मुझे फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये ना कि आप इधर भी पहले भी शैल विल लगाएं और आखिर में भी शैल विल लगाएं। अगर आपने सिर्फ फ्यूचर की बात करनी है तो पहला जो है वो प्रेजेंट टेंस होगा, आई गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊंगा, एंड यू विल नॉट फॉलो मी, और तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे। तो उर्दू पढ़ते हुए दोनों में ये आ रहा है कि मैं लाहौर जाऊंगा और तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे, तो ऐसा है कि आपने फिर दोनों में विल या शैल यूज नहीं करना बल्कि सिर्फ पहले में प्रेजेंट और अगले में विल या शैल, जो भी आप यूज करेंगे। आई वी के साथ शैल होता है और बाकी के साथ विल होते हैं। ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 10 डेज, तो यहाँ पे भी हैज बिन आएगा, ये नो कि आप लिखें ही इज सफरिंग फ्रॉम, यानी लास्ट 10 डेज की जब बात हो रही है पिछले 10 दिनों से, तो वो ही हैज बिन आएगा। इस तरह प्रूव ला रहा है तो हैव बिन आएगा। नेक्स्ट है इफ पास्ट टेंस इज यूज इन फर्स्ट पार्ट, पहले इसमें अगर पास्ट है तो दूसरे में भी पास ही आएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो फिर पास्ट नहीं होगा। कुछ सिंपल सेंटेंस हैं,
अगर अगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ आ जाए तो वो समझ जाए कि वो पास्ट का टेंस है, ठीक है। ये वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि वो पास्ट का टेंस है, जैसा कि हिज फादर डाइड 3 ईयर्स अगो, तो अगो आ गया तो आप समझ जाए कि ये पास्ट का टेंस है। यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म यूज कर लिया। द रिवर हैज फ्लो ओवरफ्लोड इट्स बैंक, तो जब आपने रिवर की बात करनी है तो ओवरफ्लोड आएगा, किनारों तक वो भरा हुआ है। आई रिग्रेट द डिले, आई नो हाउ टू स्विम। ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो अमूमन यूज किए जाते हैं, तो इनमें मिस्टेक नहीं करनी। आई रिगार्ड यू एज माई ब्रदर। और लास्ट है ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज गिवन, ये लोग लेक्चर्स को देख के आप वर लगा दें।